तो दोस्तों हम लोग DFCCIL का हम लोग इकोनॉमिक्स एंड मार्केटिंग का क्लास कर रहे हैं। तो मैं बताना चाहूँगा कि नोट्स के बारे में लोग बोल रहे थे, कमेंट्स आया था कि सर नोट्स मिल जाए। तो देखिए मैं आपको PDF जो नोट्स होगा मैं आपको बता दूँगा, ठीक है। PDF जो होगा जैसे ही टोटल क्लास क्लास पूरा होगा, ओके, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ क्लास मैं बता दे रहा हूँ, आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ क्लास बढ़िया बोली ये सिलेबस, ओके, आफ्टर कॉम्प्लीशन ऑफ सिलेबस मैं PDF मैं हर एक क्लास के डिस्क्रिप्शन में अपलोड कर दूंगा, ओके। तो चलिए हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइम ना गवाते हुए। देखिए मार्केट क्या होता है, मार्केट मार्केट इज डिफाइंड एज ए प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स मीट टू एक्सचेंज द गुड्स एंड सर्विसेज थ्रू सेल एंड परचेज। मतलब सिंपल सी बात है, मार्केट जहाँ हम लोग सामान खरीदने जाते हैं, वहाँ जहाँ पर खरीदार और बिक्री करने वाले दोनों वहाँ पर क्या है, सामान और सर्विसेज का एक्सचेंज कर सकते हैं, खरीद बिक्री कर सकते हैं, ओके। देखिए मार्केट स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट स्ट्रक्चर इज इकोनो मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स, यहाँ पर देखिए गौर करिए, ये जहाँ मार्केट स्ट्रक्चर इन इकोनॉमिक्स डिस्पाइट हाउ फर्म्स आर डिफ्रेंशिएटेड एंड कैटेगराइज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ गुड्स दे सेल डेट मे बी होमोजेनियस एंड हेटरोजेनियस, ओके। होमोजेनियस में समझ में आता है, होमोजेनियस क्या होता है, होमोजेनियस जब एक प्रकार की आइटम्स की बात करेंगे वो होमोजेनियस होगा, और हेटरोजेनियस मीन्स कई प्रकार के आइटम्स की बात करेंगे तो हेटरोजेनियस होगा। एंड हाउ देयर ऑपरेशंस आर अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स, ओके। मीन्स मार्केट की जब स्ट्रक्चर की बात करेंगे तो हम उसमें क्या क्या बात करेंगे, हम बात करेंगे एक ऐसा फर्म के बारे में बात करेंगे जो क्या है वो मतलब कुछ आइटम्स उप्स सेल करते होंगे, ठीक है। वहाँ पर कुछ आइटम सेल होता होगा, वो आइटम होमोजेनियस भी हो सकता है, एक तरह का आइटम हो सकते हैं, जैसे कि एक ऐसा मार्केट होगा जहाँ पर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम मिलेगा, डेट इज होमोजेनियस हो गया। हेटरोजेनियस मीन्स वहाँ पर कई तरह के, वहाँ पर किराना का भी दुकान मिलेगा, सब्जी की भी दुकान मिलेगी, हर एक तरह की दुकानें आपको मिलेंगी, हेटरोजेनियस हो गया। एंड हाउ देयर ऑपरेशंस आर अफेक्टेड बाई एक्सटर्नल फैक्टर्स एंड एलिमेंट्स, ओके। हम इसमें भी स्टडी करते हैं कि बाहरी जो फैक्टर्स होते हैं, अलग जो फैक्टर्स होते हैं और एलिमेंट्स होते हैं, कैसे इस मार्केट को अफेक्ट करते हैं। मार्केट स्ट्रक्चर मेक इट ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड द करेक्टरिस्टिक ऑफ डाइवर्स मार्केट। चलिए आप देखते हैं मार्केट कितने प्रकार के होते हैं। मार्केट मेनली हम चार प्रकार के मार्केट की बात करते हैं, जो एक होता है देखिए यहाँ पर, हाँ, परफेक्ट मार्केट, मोनोपोली मार्केट, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट एंड ओलिगोपी मार्केट, ओके। तो देखिए हम एक एक को अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए पहले हम बात करते हैं परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की, ओके, जो मेन इम्पोर्टेंट मार्केट है। आप सिंपल सी बात है कि परफेक्ट कंपटीशन ऐसा मार्केट जहाँ पर कई तरह से कंपटीशन हो आई सामान को बेचने में खरीद बेचने वालों की, ओके। द परफेक्ट कंपटीशन मार्केट रेफर्स टू ए टाइप ऑफ मार्केट वेयर देयर आर मेनी बायर्स एंड सेलर्स डैट फीचर्स फ्री बैरियर्स टू एंट्री। मैं समझ में आ रहा है, ऐसा मार्केट जहाँ मार्केट हो जहाँ पर कई सारे खरीदार हो और बिक्री करने वाले हो और उनके एंट्री की कोई बैरियर ना हो, ऐसा नहीं कि आप नहीं बेच सकते हैं, आप नहीं खरीद सकते हैं, सबके लिए फ्री हो, एंट्री फ्री हो, एंड डीलिंग विथ होमोजेनियस प्रोडक्ट विथ नो डिफ्रेंशिएशन, ठीक है। और क्या है, होमोजेनियस प्रोडक्ट के बारे में डील करता है, ऐसा नहीं मान लीजिए कि आपको एक मार्केट है जहाँ पर केवल एक ही टीवी और फ्रिज की दुकान है तो आप कहाँ से खरीदेंगे, या फिर एक ही कपड़े की दुकान है तो जाहिर सी में मजबूरी होगी कि आप वहाँ एक ही जगह कपड़े खरीदने जाएंगे। बट ऐसा मार्केट जहाँ पर कई सारे कपड़े की दुकानें हैं, कई सारे फ्रिज की दुकानें हैं, तो आप स्वतंत्र हैं, दैट इज, तो मतलब होमोजेनियस प्रोडक्ट हो और कई सारे हो, ओके। एंड वेयर द प्राइस इज फिक्स्ड बाय द मार्केट, और प्राइस कहाँ, मार्केट उधर फिक्स किया जाता हो। इंडिविजुअल फर्म्स आर प्राइस टेकर एज द प्राइस इज सेट बाय द इंडस्ट्री एज ए होल। मीन्स अगर हम कपड़े की बात करें तो इंडिविजुअल जो फर्म्स होते हैं, जो कपड़े बना इंडिविजुअल फर्म जो बेचने वाले होते हैं, वो प्राइस टेक करते हैं। मीन्स अगर वो 50 में खरीद के लाए हैं तो हो सकता है कि आपको 60 में बेचेंगे, 70 में बेचेंगे, ओके। क्यों, क्योंकि इसकी जो प्राइस होती है वो प्राइस इंडस्ट्री तय करती है, ये 50 रुपया में इंडस्ट्री उनको दे रही है, ओके, 50 रुपया जो उसको इंडस्ट्री दे रही है, तो प्राइस कौन, इंडस्ट्री उसको प्राइस सेट कर रही है, और जो इंडिविजुअल फार्म्स होते हैं वो उस प्राइस को लेकर के आगे बेचते हैं। जैसे एग्जाम्पल मैंने लिया है कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स विच हैव मैनी बायर्स एंड सेलर्स,
सेलिंग होमोजोनियस गुड्स वेयर द प्राइस इज डिटरमाइंड बाय द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द मार्केट एंड नॉट इंडिविजुअल फॉर्म। अब सिंपल सी बात समझिए, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की बात होती है, ठीक है, बस शेयर्स और बायर्स और सेलर होते हैं जो होमोजोनियस गुड्स को बेचते हैं, बट उसका जो प्राइस है कौन डिफाइन करता है, एक जो डेट मीन जो प्रोड्यूसर है जो बनाता है वो डिफाइन करता है, ओके, इंडिविजुअल फॉर्म डिफाइन नहीं करते हैं। वो भी कैसे डिफाइन करता है कि डिमांड और सप्लाई कैसा है, अगर डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो प्रोडक्ट हाई हो जाएगा, जनरल से बात सब समझते हैं। चलिए हम आगे देखते हैं, अब फीचर्स ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ओके, क्या है फीचर्स, वही जो हमने बात किया उसके बारे में बात हो रहा है। ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विल हैव ए लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, सही सी बात है। ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विल हैव होमोजूनियस प्रोडक्ट, ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विल हैव फ्री एंट्री एंड एग्जिट ऑफ फर्म्स, ए परफेक्ट कंपटीशन मार्केट विल हैव परफेक्ट नॉलेज, ओके। अब देखिए हम आगे आते हैं, जैसे परफेक्ट के बाद हम आते हैं मोनोपोली मार्केट के बारे में, ठीक है। देखिए मोनोपोली मार्केट क्या होता है, मोनोपोली समझ में आता है ना कि किसी की मोनोपोली चल रही है, एक अधिकार चल रहा है, उसकी बात हो रही है। ए प्रोडक्ट ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर सेलिंग ए यूनिक, सिंगल सेलर या सेलिंग ए यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट, इन ए मोनोपोली मार्केट द मार्केट सेलर फेसेस नो कॉम्पिटिशन ए ही इज द सोल सेलर ऑफ द गुड्स विथ नो क्लोज सब्स्टिट्यूट, मतलब समझ में आ गया, ऐसा प्रोडक्ट के बारे में बात हो रही है और मार्केट में जो बेचने वाला इकलौता हो वो तो यूनिक प्रोडक्ट हो, उसको कोई नहीं बेचता हो, तो जाहिर सी बात है कि वो उसका मोनोपोली होगा, उसकी मर्जी जैसे मन वैसे बेचे, जो प्राइस वैसे बेचे आपको लेना पड़ेगा, ओके। एग्जाम्पल्स है, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट विंडो की बात करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट की बात करते हैं, ओके, डीबीएस एंड डायमंड्स ये कंपनी है, योर हमारा क्या बोलते हैं, हमारा जो लोकल जो नेचुरल गैस का सप्लाई है, आपको इंडियन से गैस लेना है तो आपका जो आपके एरिया में जो सप्लाई है आप उसी से खरीद पाएंगे, ओके, ऐसा नहीं कि कोई भी बेच देगा, ओके। तो ये सब क्या मोनोपोली मार्केट हो गया। हम आगे बात करते हैं फीचर्स ऑफ मोनोपोली, फीचर्स वही जो हमने पढ़ा है उसी के बारे में हम जान रहे हैं। ए मोनोपोली मार्केट विल हैव ए सिंगल सेलर ऑफ ए कमोडिटी, ओके, सिंपल समझ में आ गया, सिंगल सेलर होगा कमोडिटी का। ए मोनोपोली मार्केट देयर विल एन एब्सेंस ऑफ क्लोज सब्स्टिट्यूट फॉर द प्रोडक्ट, ठीक है, उस प्रोडक्ट का कोई भी क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, जैसे कि अभी हम विंडो की बात करें तो विंडो का अभी कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, अभी ऐसे डेवलपमेंट हो रहा है बट फिर भी विंडो ही यूज करना पड़ता है लोगों को। इट विल बी डिफिकल्ट टू एंटर ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट, बहुत डिफिकल्ट है, आप बनाइए विंडो बना करके सामने लाइए, मतलब कोई भी सॉफ्टवेयर बना के लाइए। ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट विल हैव नेगेटिव स्लोप ऑफ कर्व, ये याद कर लीजिएगा, ये एग्जाम में पूछ सकता है कि जो मोनोपोलिस्टिक मार्केट होता है उसका स्लोप ऑफ जो कर्व वो नेगेटिव होता है, ओके। ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट विल हैव फुल कंट्रोल ओवर प्राइस एंड देयर इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड एबनॉर्मल प्रॉफिट इन ए मोनोपोलिस्टिक मार्केट, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन तो होगा ही नहीं, क्यों होगा ही, क्योंकि कंपटीशन है ही नहीं, और एबनॉर्मल प्रॉफिट मर्जी जितनी मर्जी उतनी प्रॉफिट लूट लो, ओके, क्योंकि उसका दूसरा कोई कॉम्पिटिटर है ही नहीं। अब हम आते हैं बात करते हैं मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, मीन्स मोनोपोलिस्टिक है बट कंपटीशन है, ओके। देखिए जैसे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन इज ए टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन सच दैट देयर आर मेनी प्रोड्यूसर्स कॉम्पिटिंग ईच अदर बट सेलिंग प्रोडक्ट्स दैट आर डिफ्रेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर एंड हेंस आर नॉट परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, ओके, मतलब क्या हुआ, वैसा मतलब कि क्या उस प्रोडक्ट को बेचने वाले कई सारे होंगे बट सभी प्रोडक्ट्स क्या होंगे डिफरेंट अलग अलग तरह के, मतलब प्रोडक्ट, जैसे मान ली हम एक एग्जांपल हमने यहाँ लिया भी है कोई, ओके, जैसे कि आपको हेयर ड्रेसिंग करने जाना है, ओके, तो हम मोनोपोलिस्टिंग है बहुत, मतलब ऐसे तो बहुत सारे हैं बट आपको कई हाई फाई किसी बहुत ब्रांडेड शॉप में कराना है तो क्या है वो उसका वहाँ मोनोपोलिस्टिक है, उसका रेट फिक्स है, आपको वहाँ जाना है कराना है, और ऐसे और भी हैं, ऐसा नहीं कि इकलौता है बट और भी हेयर ड्रेसर होंगे अच्छे अच्छे मतलब काफ़ी ब्रांडेड वाले, बट उनमें क्या सबका अपना फीचर्स होगा, स्पेशल कुछ ना कुछ स्पेशल देते होंगे, ओके। तो वही क्या बोल रहा है कि ईच अदर्स क्या है कॉम्पिटिट करते हैं बट सेलिंग प्रोडक्ट डिफरेंट फ्रॉम अनदर, मतलब प्रोडक्ट वही है बट थोड़ा सा उसमें डिफ्रेंशिएट करते हैं प्रोडक्ट का जो है बिल्कुल, मतलब आप कुछ
जैसे कि आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हैं तो एक रेस्टोरेंट में आप समझ सकते हैं कि यहाँ का खाना बहुत अच्छा है, यहाँ का डेट मीन्स अना स्पेशल स्पेशल इफेक्ट की वजह से अलग अलग रेस्टोरेंट्स फेमस होते हैं। ओके, एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट्स आर रेस्टोरेंट बिजनेस। ओके, अलग अलग रेस्टोरेंट बिजनेस में अलग रेस्टोरेंट्स में अलग अलग तरह की आपको फैसिलिटीज मिलती है। होटल्स एंड पब्स की बात हो गया, जनरल स्पेशलिस्ट रिटेलिंग हो गया, कंज्यूमर सर्विस हो गया, सच और हेयर ड्रेसिंग जो मैं एग्जाम्पल लिया था। ओके, चलिए हम आगे बात करते हैं। फीचर ऑफ मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट, वही हमने जो बात किया उसके बारे में वही सब होगा पॉइंट्स। मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन ओकर्स व्हेन एन इंडस्ट्रीज हैज मेनी फर्म्स ऑफरिंग प्रोडक्ट्स दैट आर सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल। सिमिलर है बट आइडेंटिकल नहीं है। अनलाइक मोनोपोली, दीज फर्म्स हैव लिटिल पावर टू सेट कर्टेल सप्लाई और राइज प्राइस टू इंक्रीज द प्रॉफिट। ओके, इनके पास इतना रहता है कि कहाँ पर सप्लाई ज़्यादा करे, कहाँ पर सप्लाई कम कर देता है, कहाँ प्राइस इंक्रीज करे, कहाँ प्राइस बढ़ा दें, ये उनके हाथ में होता है। ओके, फर्म्स इन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन टाइपिकली ट्राई टू डिफरेंशिएट देयर प्रोडक्ट इन अदर टू अचीव अबोव मार्केट रिटर्न्स। ओके, समझे, अलग अलग रेस्टोरेंट अपने आप अलग अलग स्पेशल फैसिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे एक एग्जांपल देखा, पटना में एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पर क्या है, वो मछली रखता है जिंदा, आप जाइए खुद पकड़िए और दीजिए और बना कर देगा आपको। इस तरह अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड कराते हैं, ये मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट की बात हो गई। ओके, हैवी एडवर्टाइजिंग एंड मार्केटिंग इज द कॉमन एमोंग फर्म्स इन द मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड हैन सम इकोनॉमिक्स क्रिटिसाइज दिस एज वेस्टफुल। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप देखिए टूर एंड टूरिज्म कि जितने बिजनेस होते हैं होटल रेस्टोरेंट्स में, इनमें क्या है, उनमें बहुत ज़्यादा इनमें एडवर्टाइजमेंट होता है और मार्केटिंग होता है। ओके, और एक बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा इनको इन्वेस्ट करना पड़ता है मार्केटिंग के लिए, एडवर्टाइजमेंट के लिए। ओके, अब हम बात करते हैं ओलिगोपोली मार्केट की बात कर रहे हैं। देखिए ओलिगोपोली मार्केट, एंड ओलिगोपोली इज ए मार्केट वेयर इन ए मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय स्मॉल ग्रुप ऑफ लार्ज सेलर्स। ओके, मतलब ऐसा मार्केट, मतलब ऐसा इंडस्ट्री जिसका मतलब कुछ एक किसी खास आइटम पर किसी मतलब एक कई अलग अलग ग्रुप्स, एक तरह के ग्रुप्स का उस पर अधिपत्य हो। जैसे कि आप केबल टेलीविजन की बात करें, केबल, तो देखिए केबल क्या होता है, एक शहर के किसी खास एरिया में किसी एक केबल वाले का वहाँ पर अधिपत्य होता है, उस केबल वाला वहाँ पर अपना केबल बिछा कर रखता है। ओके, तो उस तरह से है एग्जाम्पल्स है, जैसे इट हैज़ बीन फाउंड दैट इलेक्ट्रिकल एंड टबाको इंडस्ट्री आर हाईली ओलिगोपोलिस्ट बाई इन द US। अदर एग्जाम्पल्स आर द ऑटो इंडस्ट्री, केबल टेलीविजन एंड कॉमर्शियल एयर ट्रेवल्स। ओके, ये सब ओलिगोपोली मार्केट में आते हैं। जैसे अब हम क्या बोलते हैं, कई सारे मतलब क्या एग्जाम्पल दे रहे थे, ऑटो, जैसे ऑटो इंडस्ट्री की बात करें तो ऑटो के पार्ट्स बनाने वाले बहुत सारी कंपनियां हैं, उनका इस पर बहुत पकड़ है और कई सारे कंपनियों का पकड़ है। आप एक कोई भी आप गियर लेने जाते हैं तो कई सारी कंपनियां गियर बनाती हैं, उनका उस पर पकड़ है, उनका छोटी छोटी कई कंपनियों का, ये सब ओलिगोपोली में आते हैं। फीचर्स एक बार देख लीजिए, फीचर्स ऑफ ओलिगोपोली मार्केट, इन एन ओलिगोपोली मार्केट देयर आर फ्यू डोमिनेंट इंडिविजुअल्स और ऑर्गेनाइजेशन हु आर लार्ज इन साइज। ओके, आप एक एग्जांपल देख लीजिए ना, आप किसी किसी शहर में ऐसा होता है कि मैं एग्जांपल देखा हूँ, हमारे मैं धनबाद में एक एग्जांपल देखा हूँ कि धनबाद में वहाँ पर बैटरी बनाते हैं और बैटरी लोकल बैटरी बनाते हैं और उनका अच्छा बिक्री होता है, वहाँ पर उनका अच्छा पकड़ है, वो सब ओलिगोपोली मार्केट के एग्जांपल्स हो गए। देयर आर म्यूचुअल इंडिपेंडेंस इन एन ओलिगोपोली मार्केट, और उसमें क्या होता है, एक दूसरे का म्यूचुअल एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं, एक दूसरे पर डिपेंडेंट रहते हैं। देयर इज एन एंट्री बैरियर इन एन ओलिगोपोली मार्केट, इसमें भी क्या एंट्री है, ऐसा नहीं कि कोई भी जाकर, इसमें पहले आपको बहुत अच्छे से नॉलेज लेना पड़ता है, आपको उस तैयारी करनी पड़ती है। देयर इज बोथ स्टैंडर्डाइज एज वेल एज डिस्टिंग्विश्ड प्रोडक्ट्स इन एन ओलिगोपोली मार्केट, प्राइस आर रिजिड एन ओलिगोपोली मार्केट। ओके, इसमें प्राइस क्या होते हैं, फिक्स और रिजिड होता है। अब देखिए हम बात कर रहे हैं, अभी तक हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ रहे थे, अब हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, अभी हम लोग का माइक्रो इकोनॉमिक्स डीप सीसीआई के सिलेबस के अनुसार ख़त्म हो गया है,
अब हम पढ़ रहे हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो देखिए समय न गवाते हुए हम लोग सीधे देखेंगे। पहला टर्म हम देखेंगे ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP। GDP ऐसा है या बहुत सुनते रहते होंगे सब जगह, कहीं भी GDP घट गया, GDP माइनस चला गया, GDP प्लस में चला गया। क्या है GDP? देखिए जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टोटल, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज टोटल मॉनेटरी और मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल, यहाँ पर देखिए ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर इन ए स्पेसिफिक टाइम पीरियड। मीन्स एक किसी देश, अगर कोई कंट्री है इस कंट्री के इस एरिया में, जितना भी आइटम्स मतलब फिनिश प्रोडक्ट हुआ और सर्विसेज हुई, सभी का जो भी मॉनेटरी वैल्यू है, जो भी मौद्रिक वैल्यू है या मार्केट वैल्यू है, हम उसको बोलते हैं GDP। तो उसमें क्या है, अब देखिए इसमें इस एरिया में वो उस देश का कंट्री होगा या फिर किसी और देश का कंट्री होगा, सभी को जोड़ करके हम उसका प्रोडक्ट होगा, उसको हम GDP बोलते हैं। ओके, एज ए ब्रॉड मेजर ऑफ ओवरऑल डोमेस्टिक प्रोडक्शन इट फंक्शंस एज ए कॉम्प्रिहेंसिव स्कोर कार्ड ऑफ ए गिवन कंट्रीज इकोनॉमिक हेल्थ। ठीक है, मतलब सिंपल सी बात है कि किसी देश का इकोनॉमिक हेल्थ कैसा चल रहा है, ये उसका एक स्कोर कार्ड होता है। ओके, जैसे मैच में स्कोर कार्ड होता है, वैसे इसका ये स्कोर कार्ड होता है किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक हेल्थ का। ओके, तो हम अगला टर्म पढ़ते हैं, की पॉइंट्स क्या है। तो की पॉइंट्स हम जो पढ़ चुके हैं वही है, देख लीजिए एक बार। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज ए मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स एंड सर्विसेज मेड विद इन ए कंट्री ड्यूरिंग ए स्पेसिफिक पीरियड, जो मैं बता चुका हूँ। GDP provides an economic snapshot of a country used to estimate the size of an economy and growth rate. Okay? ये कंपनी का वही स्कोर कार्ड की बात कर रहे हैं, जिसे हम पता चलता है कि वो इकोनॉमी का क्या ग्रोथ है, कितनी बड़ी इकोनॉमी है। GDP can be calculated in three ways में कैलकुलेट कर सकते हैं, एक्सपेंडिचर के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्शन के द्वारा भी कैलकुलेट कर सकते हैं, और इनकम्स के द्वारा भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं GDP को। और इसके द्वारा हम क्या कर सकते हैं, महंगाई और भी जो पॉपुलेशन को हमें क्या प्रोवाइड करना है, इस सब चीज़ के बारे में हम अच्छे से एक प्लान करते हैं। ओके, कि हम आगे क्या करना है ताकि इकोनॉमिक हमारा बड़ा ज़्यादा हो। थ्रो इट हैज लिमिटेशन, इसके कुछ लिमिटेशन है, फिर भी GDP जो है वो किसी भी देश के जो पॉलिसी मेकर्स है या फिर किसी कहीं के कोई इन्वेस्टर्स या कोई बिजनेसमैन है, वो अपना स्ट्रेटेजिक डिसीजन इसी बेसिस पर लेते हैं, उनको हेल्प करता है लेने में। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट है वो हम बात करते हैं ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, जिसको हम शॉर्टकट में GNP कहते हैं। देखिए वो था GDP था। ओके, और ये GNP है, दोनों में डिफरेंस है। ओके, तो देखिए वहाँ पर क्या था, GDP, डी मीन्स डोमेस्टिक, मीन्स पूरे जो रीजन की बात हो रही थी, डोमेस्टिक एरिया की। बट अब जब नेशनल की बात होगी तो हम ओनली सिटीजन्स की बात करेंगे, वो भी वो सिटीजन्स जो ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं भी हो उस कंट्री के, उसको हम बात करेंगे। द ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट इज द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल फिनिश्ड गुड्स, मीन्स टोटल वैल्यू, वो तो पहले की बात, फिनिश गुड्स की बात हो रही है, सर्विसेज की, प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री सिटीजन्स, ये ध्यान रखिए, प्रोड्यूस्ड बाई ए कंट्री सिटीजन्स। उसमें हम क्या बात कर रहे थे, इंटायर द कंट्रीज बाउंड्री की बात कर रहे थे, बट इसमें सिटीजन्स की बात करिए, इन ए गिवन फाइनेंशियल ईयर इरेस्पेक्टिव ऑफ देयर लोकेशन, वो कहीं भी हो। GNP इज ऑल्सो मेजर द आउटपुट जनरेटेड बाय द कंट्रीज बिजनेसेस लोकेटेड डोमेस्टिकली और एब्रॉड, मतलब किसी देश की जो किसी कंट्री की जो कोई बिजनेस है या फिर कोई इंडस्ट्रीज है इंडिया में, सॉरी हम देश अपने देश की बात हो कर रहे हैं, बट हम इंडिया की बात कर सकते हैं, हम अगर एज ए इकोनॉमिक हम किसी कंट्री की बात कर रहे हैं, उस कंट्री में या फिर अदर कंट्रीज में वो कितना वो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं, कितना प्रोडक्ट जनरेट कर रहे हैं, उसका जो मेजरमेंट वो हम GNP में कैलकुलेट करते हैं। चलिए मैं यहाँ पर भी आपको दिखा दिया हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है। देखिए डिफरेंस बिटवीन GDP एंड GNP क्या है, देखिए GDP मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ध्यान दीजिए, पहले बता चुका हूँ फिर दोबारा फिर से बता रहा हूँ क्लियर करने के लिए। GDP मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन ए कंट्रीज बॉर्डर, ठीक है, कंट्रीज बॉर्डर, ये हम GDP की बात कर रहे हैं, बाई सिटीजन्स एंड नॉन सिटीजन्स अलाइक,
बट अब जब जीएनपी की बात करेंगे तो जीएनपी मेजर्स द वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड ओनली ओनली ए कंट्रीज सिटीजन्स। ठीक है, ध्यान दीजिए, हम वहाँ पर कंट्रीज की बाउंड्री बात कर रहे हैं, बट जीएनपी में हम ओनली कंट्रीज सिटीजन्स की बात कर रहे हैं, बट बोथ डोमेस्टिकली एंड एब्रॉड। ठीक है, जीएनपी में, और बट जीडीपी इज द मोस्ट कॉमनली यूज बाई ग्लोबल इकोनॉमिक्स। हम जनरली जीडीपी के ज़्यादा यूज करते हैं, आप कहीं नहीं देखे होंगे कि जीएनपी इतनी बढ़ गई घट गई, हम जनरली जीडीपी की बात करते हैं हमेशा, मोस्ट जो कॉमन यूज है, बट आपको सबको जानना है। ओके, सिलेबस में आपका सभी है तो आपको सबको जानना है और सही से प्रश्न आ सकते हैं। तो चलिए हम आगे देखते हैं, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये क्या है, NDP। अभी हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा है यहाँ से GDP पढ़ लिया। ठीक है, आगे पढ़ा हमने GNP पढ़ लिया है। ओके, अब अगला हम पढ़ रहे हैं NDP। तो देखिए ये NDP क्या है, ये GDP के बिल्कुल, यहाँ पर यहाँ भी DP है, यहाँ पर DP है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, थोड़ा सा कन्फ्यूजन ना हो आपको। ओके, तो बिल्कुल GDP की तरह ही है, और देखिए इस हमने ये पढ़ लिया GDP GNP, अब जब हम इसकी बात करेंगे तो इसको हम इससे रिलेट करते हैं। ठीक है, तो क्या हुआ, जैसे GDP, तो अब एक्चुअली क्या है, आपकी एक कंट्री है, एक कंट्री के अंदर में कई सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं, तो जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड हो रहे हैं तो उसके लिए वो कैपिटल्स लगा होगा, कई सारे इंडस्ट्रीज लगी होगी, मशीनरी लगी होगी। तो मशीनरी क्या है, कोई भी मशीनरी होता है, आप अपना मोटरसाइकिल ले लेंगे, मोटरसाइकिल ले लीजिए, चलाइए, एक साल बाद उसका वैल्यू कम हो जाता है, क्योंकि वो मशीनरी पार्ट घिसता है। ओके, तो उससे क्या होता है कि जब डिप्रिसिएशन होता है, कोई भी प्रोडक्ट होता है उसका समय के साथ डिप्रिसिएशन होता है। ओके, तो मैं सिंपल डिफिनेशन में बताऊंगा, उससे पहले मैं आपको समझा देना चाह रहा हूं कि GDP जो भी GDP होगा, और GDP में से जो ओवरऑल जो डिप्रिसिएशन हुआ है ऑल ओवर द कंट्री में, मशीनरीज का या व्हीकल का, कोई भी चीज़ का, ओके, उसका अगर हम माइनस कर लेते हैं तो वो मेरा बनता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस में से डिप्रिसिएशन घटा देंगे तो मेरा नेट बच जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से देखिए डिफिनेशन क्या दिया है, द नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इक्वल्स टू द ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स माइनस डिप्रिसिएशन ऑन ए कंट्रीज कैपिटल गुड्स। ओके, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट अकाउंट्स फॉर ए कैपिटल डेट हैज बीन कंज्यूम्ड ओवर द ईयर इन द फॉर्म ऑफ हाउसिंग व्हीकल और मशीनरी डिटोरिएशन। ओके, दोस्त भाई मैं एग्जाम्पल बता ही दिया हूँ कि कोई भी आइटम्स है तो उसका धीरे धीरे से वैल्यू घटता है और डिटोरिएट होता ही रहता है, तो जो डिटोरिएशन होगा उसको हम माइनस कर लेते हैं। ओके, एग्जाम्पल दिया हूँ, देख लीजिए, If the country is not able to replace the capital goods lost through depreciation, the GDP will fall. In addition, मतलब समझ सिंपल सी बात है, मैं समझा दे रहा हूँ आपको कि समझ लीजिए। ओके, देखिए जैसे कि कोई इंडस्ट्री है, ओके, या फिर कोई गवर्नमेंट की इंडस्ट्री है, या फिर आप रहे, मैं रेलवे का एग्जाम्पल ले लेता हूँ, तो क्या होगा कि जब गवर्नमेंट या फिर कोई भी अगर क्या होगा, वो उसका जो भी उसका पुराना जो कैपिटल है उसको रिप्लेस नहीं कर रहा समय के साथ में, तो क्या होगा, उसका GDP फॉल होगा। क्यों फॉल होगा, फॉल होने के कारण है कि जैसे पुरानी मशीनरी होगी तो बार बार बीच में ब्रेकडाउन होगी, या फिर पुरानी मशीनरी होगी तो एक्सीडेंट्स के भी चांसेस होते हैं। रेलवे के जो कोचेस की एग्जाम्पल ले लीजिए, आप टाइम टू टाइम उसको रिप्लेस नहीं करिए तो क्या होगा, एक लिमिट के समय के बाद उनकी जो भी कैपेसिटी है वो घट जाती है, और ये काउजेज ऑफ द एक्सीडेंट हो सकता है। ओके, तो ये वजह है। तो क्या हुआ कि सरकार को या फिर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को टाइम टू टाइम उसकी जो कैपिटल्स है उसको रिप्लेस करना चाहिए, उसकी जो इंडस्ट्रीज है, मशीनरीज है, उसको रिप्लेस करते रहना चाहिए ताकि सब कुछ प्रॉपर में चल रहा हो। और अगर ये दोनों रिप्लेसमेंट हो रहा है, इस मतलब GDP सही चल रही है। ओके, तो देखिए, इन एडिशन ए ग्रोइंग गैप बिटवीन द GDP एंड GNP इंडिकेट्स इंक्रीजिंग ऑफसेलमेंट्स ऑफ कैपिटल गुड्स। मतलब अगर GDP और GNP के वैल्यू में अगर ज़्यादा का डिफरेंस आ जाता है तो समझिए कि जो कैपिटल्स जो है पुराने वो खराब हो रहे हैं। ठीक है, उनमें चेंजिंग नहीं हो रहा है, वो बेकार हो रहे हैं, अब उनको हम त्याग दे रहे हैं, छोड़ दे रहे हैं, बिना काम के हो जा रहे हैं।
बट अगर इनका गैपिंग कम है, जीडीपी और जीएनपी का गैपिंग कम है, तो हम ये बिल्कुल इसका मतलब ये प्रूफ होता है कि सब कुछ जीडीपी में ठीक चल रहा है और जो भी पुराने मशीन्स हैं वो भी बिल्कुल इम्प्रूव हो रहे हैं। ओके, तो इसलिए हम जीएनपी निकालते हैं। देखिए इसका की पॉइंट्स क्या है, की पॉइंट्स ऑफ नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। हम जो बात कर चुके हैं नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट इज एन एनुअल मेजर ऑफ द इकोनॉमिक्स आउटपुट ऑफ ए नेशन दैट इज एडजस्टेड टू अकाउंट्स फॉर डिप्रिसिएशन। इट इज कैलकुलेटेड बाय सब्ट्रैक्टिंग, भाई जो भी मैं बता चुका हूँ, एक लाइन इम्पोर्टेंट लाइन ये वाला है, बता दे रहा हूँ कि जो भी ये जीडीपी जो है ये कौन इंडिया में कौन कैलकुलेट करता है, तो ये कैलकुलेटर द सेंट्रल स्टैटिक्स ऑफिस CSO जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन इन इंडिया के दायरे में आता है, वो इसको कैलकुलेट करता है। ओके, एन इंक्रीज इन NDP वुड इंडिकेट ग्रोइंग इकोनॉमिक हेल्थ व्हाइल डिक्रीज वुड इंडिकेट इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। ठीक है, समझिए सिंपल सी बात है, मैं पहले बात कर चुका हूँ कि अगर NDP के वैल्यू अगर ज़्यादा है तो इकोनॉमी का हेल्थ भी अच्छा है, सब कुछ अच्छा चल रहा है। अगर कम है तो मतलब आप इकोनॉमिक रुका हुआ है, ये रुकने जा रहा है, सब कुछ सही नहीं चल रहा है। ओके, तो आज की हम क्लास यहीं समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपको बिल्कुल पसंद आया होगा क्लास, और कुछ भी अगर आपको डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ओके, कुछ भी आपको डाउट होता है तो मैं आपको बिल्कुल जवाब दूंगा। तो हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद, और सब कुछ अच्छा लगा तो प्लीज़ इस क्लास को शेयर करिएगा दोस्तों के साथ भी, प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।